शुरू करें आदरणीय साथियों आप सभी को सादर नमस्कार प्रधानमंत्री जी अभी यूरोप की यात्रा से लौटे हैं और उसी यूरोप में एक संस्थान है विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यू जब प्रधानमंत्री जी यूरोप में घूम रहे थे क्योंकि दिल्ली में बड़ा पावर कट है गर्मी भी है उसी समय यूरोप की एक संस्था वैश्विक संस्था जिसका हेडक्वाटर यूरोप पे है वो कह रही थी कि दुनिया में झूठ बोलने में नंबर दो स्थान है भारत का हालांकि उस संस्था भारतीय जनता पार्टी कह सकती है कि हमने झूठ बोलने में पाकिस्तान को हरा दिया क्योंकि पाकिस्तान हमसे पीछे है झूठ बोलने में पर हिंदुस्तान ने जो कोविड की डेथ्स है उसको दुनिया में नंबर दो स्थान पर झूठ बोला है ये डब्ल्यू एच ओ का आंकड़ा है मेरा आपका किसी और का नहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसकी प्रामाणिकता पर विश्वसनीयता पर दुनिया का हर देश विश्वास करता है वो कहती है कोविड की मौतों के मामले में दुनिया में दूसरा सबसे झूठा डाटा भारत सरकार ने दिया है ये मेरा नहीं भारत सरकार के लिए उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है। उनका यह कहना है कि 2020-21 में भारत सरकार ने चार लाख इक्यासी हजार कोविड डेथ्स दिखाई जबकि वास्तव में सैतालीस लाख फोर्टी सेवन लैख कोविड की डेथ हुई मतलब जितनी भारत सरकार ने डेथ दिखाई उससे दस गुना ज्यादा कोविड की डेथ्स भारत में हुई हमसे आगे झूठ बोलने के मामले में सिर्फ एक ही देश है जिसने 11 गुना बताई हम थोड़ा सा चूक गए प्रथम स्थान आने में और ये एक डाटा नहीं है वैश्विक दूसरा एक और डाटा आपको देता हूँ लेंसेट ने एक स्टडी करी और लेंसेट जब स्टडी करता है तो पूरे रिसर्च पैमानों का ध्यान रखा जाता है उस लैंडसेट की स्टडी में यह बताया गया 40 लाख सत्तर हजार लोग कोविड के दौरान बीस इक्कीस में भारत में जिनका स्वर्गवास हुआ तो 40 लाख सत्तर हजार एक वैश्विक संगठन बता रहा है डब्ल्यू एच लाख बता रहा है और बाकी जो प्रामाणिक और संस्थाएं क्योंकि हमने देखा है कि अभी 2021 में एक स्टेट की कोविड डेथ्स का अनुमान एक न्यूज़पेपर ने किया था उस पर छापा पड़ गया जो ही उसने अनुमान किया उसके ऊपर छापा पड़ा तो हम ये पूछना चाहते हैं कि डेढ़ करोड़ लोगों की जान कोविड में दुनिया में गई उसमें से सैतालीस लाख इंडिया में मतलब दुनिया में हर तीन में से एक व्यक्ति हिंदुस्तान में कोविड के दौरान जिसकी डेथ हो रही थी भारत सरकार ने देश के लोगों की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता को तार तार क्यों किया क्यों दु, दुनिया की एजेंसीज वैश्विक एजेंसीज कह रही है कि झूठा डाटा देने में दुनिया में नंबर दो स्थान पर भारत है ऐसा वैश्विक एजेंसीज क्यों कह रही है क्यों हमने हमारी कोविड डेथ्स को दस गुना कम करके दिखाया है ऐसा क्यों किया गया है भारत सरकार ने चिर परिचित अंदाज में कह दिया हम इस डेटा को नहीं स्वीकार करते हैं ठीक है सी का डाटा आप स्वीकार नहीं करते हो डब्ल्यू का डाटा आप स्वीकार नहीं करते हो आपको अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन डिवाइडर इन चीफ का खिताब देती है उसका डे उसकी बात आप स्वीकार नहीं कर, च, करते हो हिंदुस्तान के एक अखबार ने एक मध्य प्रदेश राज्य में बताया कि एक महीने में एक लाख से ज़्यादा कोविड के दौरान मृत्यु हुई उसके ऊपर आपने छापा पड़वा दिया पर एक चीज़ तो देश के हर व्यक्ति ने देखा और आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि कोविड के दौरान सेकेंड वेव के दौरान माँ गंगा के अंदर लाशें तैर रही थी और दुनिया की बड़े बड़ी रिसर्च एजेंसीज और दुनिया के प्रतिष्ठित अखबार हमारी कोविड मिसमैनेजमेंट के बारे में बड़े बड़े लेख लिख रहे थे एक बात तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि दिल्ली में देश के बड़े शहरों में लखनऊ में ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण सड़कों पर लोग दम तोड़ रहे थे एक बात तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि ऑक्सीजन नहीं होने के कारण लोग जिस तरह से रेमडिसिविर नहीं होने के कारण आईसीयू बेड नहीं होने के कारण पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग तड़प तड़प के कोविड वन और कोविड टू पहली और दूसरी वेव में हिंदुस्तान में मर रहे थे हमारी बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि मोदी जी आपने देश की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता को एक बार पुनः दुनिया के पटल पर तार तार क्यों किया? आप यूरोप में घूम रहे थे और यूरोप में ही एक दुनिया की एजेंसी कह रही है कि झूठ बोलने के मामले में भारत की सरकार दूसरे नंबर पर है मोदी जी हम पूछना चाहते हैं कि कोविड कमीशन जिसकी मांग हमने कई दफा करी है ऑल पार्टी कोविड कमीशन जिसमें सारे पार्टी के लोगों के सारे राजनीतिक दलों के सदस्य जिसके मेंबर हो उसको स्थापित क्यों नहीं किया जाता ताकि देश को पता लगे वास्तव में कितने लोगों ने कोविड के दौरान अपनी जान गंवाई ताकि देश को पता लगे कि क्यों हमने वैक्सीन जो प्रोक्योरमेंट और वैक्सीन की स्ट्रेटेजी को अपनाने में अन्य देशों से आठ से दस महीने ज्यादा लगवाए ताकि देश को पता लगे कि आईसीयू बेड की व्यवस्था रेमडिसिविर की व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई हम मांग करते हैं कि चार लाख रुपए कोविड कंपनसेशन बचाने के कारण ताकि आपको चार लाख रुपए उस व्यक्ति के सम्मान में ना उसके परिवार को देना पड़े जिसने कोविड के दौरान अपनी जान गंवाई क्या यह सारा अंडर स्टेटमेंट इस कंपनसेशन को बचाने के कारण किया गया है हमारी स्पेसिफिक दो मांगे हैं भारत सरकार इमीजिएटली जिन जिन लोगों की और जैसा कि लैंसेट और डब्ल्यूएचओ की स्टडीज कह रही है सैंतालीस लाख 47 लाख पीपल ऑफ आवर कंट्री हैड द लाइफ इन कोविड उन सभी परिवारों को चार लाख रुपए की कंपनसेशन राशि इमिजिएटली दी जाए पॉइंट नंबर वन हमारी दूसरी मांग है कि कोविड कमीशन की तत्काल स्थापना की जाए जिसमें सभी राजनीतिक दलों के सदस्य हो और जो एक टाइम बाउंड मैनर में एक देश के सामने रखें कि कितने लोगों ने जान गंवाई कौन कौन लोग वो दोषी थे क्यों ऐसा हुआ <coughs> जब दुनिया के दूसरे देश वैक्सीन खरीद रहे थे हम ताली थाली और मोबाइल की फ्लैश लाइटें जला रहे थे ऐसा क्यों हुआ तो मैं सवाल लेने से पूर्व अपनी बात इंग्लिश में ब्रीफ करता हूं और फिर आप लोगों के सवालों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा मोदी गवर्नमेंट वंस अगेन लेट इंडिया डाउन ऑन द वर्ल्ड स्टेज

this is not our data that as per government civil registrations report 45% of people who died in 2020 didn't get any medical attention at the time of death this is not our data this is crs data now in this regard the mismanagement of the covid pandemic by the bjp government is not hidden from anyone the apathetic attitude has been evident all along. The nation saw people gasping for oxygen during the second wave. The world saw the Modi management style when thousands of bo bodies were floating in Ma Ganga. India was shamed at the world stage when pictures of the body floating were circulated in the international media. In short, while the Modi government has been chest thumping for its COVID management, the reality is far harsher than the government wants us to believe. A big expose by the WHO has exposed the death tolls in India due to COVID from 1st January 2020 to 31st December 2021. As per the government data, till date, 5 5,24,000 people had lost life due to COVID 19 in India i would like to give you some inputs or highlights of the who report the world saw 1.49 crore excess deaths associated with covid 19 pandemic one in three deaths in the world due to covid happened in india this is who report india has 47 lakh deaths due to covid 19 from 1st january 2020 to 31st january 2021. amongst the nations with highest ratio of excess death in 2020 and 2021, as compared to official records of covid-19 deaths, india is ranked second in the world with a ratio of 9.9x. means whatever we had reported and whatever is the who estimation, there is a difference of 10 times. बिहाइंड इजिप्टिक्स एक्स एंड अड ऑफ पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द डेथल नाउ हैड बीन काउंटेड ग्लोबली वर इन इंडिया आई एम गिविंग यू कंपेरिजन ऑफ वेरियस स्टडीज रिगार्डिंग कोविड डेथ इन इंडिया As per Lancet study, 40,70,000 people in our country had lost life in year 2020 and 2021. As per WHO data, 47 lakh people had lost life in the year 2020 and 2021. Whether it is Lancet study or WHO study <coughs> regarding the excess deaths of COVID due to COVID uh, 19 are in resonance with what a leading Hindi daily had published for one of the states. The world saw pictures of body floating in the poised Ma Ganga. There has been recurring reports of concern over Modi government's management and data. Even if we keep the numbers aside, the government's civil registration system has accepted that 45% of people who died in 2020 didn't get any medical facility. मतलब 2020 में हिंदुस्तान में जो इन लोगों की भी मृत्यु हुई उनमें से 45 प्रतिशत को पैरासिटामोल की गोली भी नहीं मिली <coughs> ये मेरा डाटा नहीं है ये डब्ल्यू एच ओ का भी डाटा नहीं है। ये भारत सरकार का डाटा है ऑल फैक्ट्स आर स्टेग अगेंस्ट द गवर्नमेंट दे कांट सिंपली रिफ्यूट द क्लेम्स ऑफ एक्सपर्ट पैनल विदाउट प्रोवाइडिंग एनी इंपेरिकल डाटा और लॉजिक you can't say i don't accept. if you don't accept, give the reasons. the government must accept its mismanagement of the pandemic. and we have very specific questions for the modi government. number one, three questions. when the bjp claims of putting india on the world stage, is this the way we indians want to see our country being mentioned on the world stage? जब मोदी जी बड़ी बड़ी बातें यूरोप में कर रहे थे उसी यूरोप में कहा जा, जा रहा था कि भारत की सरकार झूठ बोलने में दुनिया में नंबर दो पॉइंट नंबर टू व्हेन ए लीडिंग नेशनल डेली रिपोर्टेड नंबर्स रिगार्डिंग एक्सेस डेथ इन मध्य प्रदेश ड्यू टू कोविड नाइनटीन इट्स ऑफिस वर रेडेड बाई एजेंसीज वैन विल द एजेंसीज रेड डब्ल्यू एच ओ क्या भारत की एजेंसीज अब डब्ल्यू एच ओ पे भी रेड करेगी क्योंकि जो भी सत्य डाटा देता, देता उस पर भारत सरकार की रेड हो जाती है। पॉइंट नंबर थ्री इज द गवर्नमेंट अंडर रिपोर्टिंग ऑफ कोविड डेथ डेटा ए वे टू एस्केप पेइंग ए कोविड नाइनटीन कंपनसेशन टू द फैमिलीज ऑफ डिसीज एंड इन दिस रिगार्ड वी हैव टू वेरी स्पेसिफिक डिमांड्स ऑन बिहाफ ऑफ पीपुल ऑफ आवर कंट्री the government must immediately form covid commission with members from all political parties to analyze the deaths that happened due to unavailability of oxygen broken supply chain in case of vaccines and medicines and plan for better management of these pandemics in the days to come and our second demand is that that the government must immediately pay रुपीज फोर लैक टू द फैमिली मेंबर्स ऑफ द डिसीज हुईड ड्यू टू कोविड नाइनटीन इफ इट कांट प्रोवाइड मेडिकल केयर एंड फैसिलिटी दिस इज एट लीस्ट द मोदी गवर्नमेंट कैन डू टू पे रेस्पेक्ट टू द पीपुल अगर आपने उनका इलाज नहीं कराया लोगों को समय पर ऑक्सीजन नहीं दी लोगों को समय पर दवाई नहीं दे पाए लोगों को समय पर वैक्सीन नहीं दे पाए कम से कम उन लोगों को उन लोगों के परिवारों को चार लाख रुपए का कंपनसेशन देके एक रेस्पेक्ट तो दीजिए आप ये अंडर रिपोर्टिंग बंद कीजिए और कोविड कमीशन का गठन करके सही स्थिति देश के सामने रखिए क्योंकि जब दुनिया की एजेंसीज हमें दुनिया का दूसरा हमारे डाटा को दूसरा सबसे झूठा डाटा बताती है तो देश के लोगों का सर शर्म से झुक जाता है आई एम ओपन फॉर क्वेश्चन इफ यू हैव एनी देखिए एक एक क्वेश्चन का पॉइंट नंबर वन का सत्रह राज्य आपने पूछा तो देश में अगर हम कहते हैं सत्रह राज्य तो लगभग दो तिहाई देश की आबादी कवर हो जाती है जब भी हम कोई भी रिसर्च के लिए सैंपल कलेक्ट करते हैं कोई भी रिसर्च के लिए तो हंड्रेड परसेंट डाटा तो ले नहीं सकते एक सैंपल साइज पे स्टडी को आगे बढ़ाया जाता है तो जब सेवेंटी यूनिवर्स को आप कवर कर रहे हो अपने सैंपल साइज में तो इन सत्रह राज्यों में कौन से हैं यह डब्ल्यू एच ओ ने अपनी रिपोर्ट में नहीं बताया पर सत्रह राज्य अगर कोई कहता है तो देश की सत्तर प्रतिशत आबादी कवर होती आपके देखिए कोविड के दौरान कितने लोगों का डेथ रजिस्ट्रेशन हुआ कितने लोगों का डेथ सर्टिफिकेट बना कितने लोगों ने कितने लोगों की डेथ हुई एक्सेस क्योंकि आप जब जब इस तरह की स्टडीज़ होती है तो कैसे इन्होंने इस, आ, अनुमान कैसे लगाया उसकी आपको जानकारी देता हूँ 2018 में मान लो एक्स लोगों की डेथ हुई 2009 में 1.1 पॉइंट एक्स की हुई तो 2020 में अगर वही ट्रेंड को हम देखें तो 1.21 पॉइंट एक्स की होनी चाहिए थी तो जो डेथ्स हुई एक्चुअली में और जो डेथ्स उस उस ट्रेंड के अनुसार होनी चाहिए थी जो वो डिफरेंस आया उसको कोविड की डेथ्स माना जाएगा देखिए मैं मैं तो बोल रहा हूं ना भारत सरकार पूरा कोविड कमीशन बैठा है मैं तो बोल रहा हूं कि सारे राज्यों से डाटा वापस इकट्ठा किया जाए सैतालीस लाख ,00 लोगों ने अपनी जान गवाई है चालीस लाख सत्तर हजार के अनुसार जान गवाई है कोविड कमीशन के बाद सारे राज्यों से मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि भाई उत्तर प्रदेश का ही डाटा ले क्योंकि वहां हमने गंगा मैया में लाशें तैरती देखी जो कि जहाँ सबसे ज्यादा मिसमैनेजमेंट ये भी नहीं कह रहा कि गुजरात का ही डाटा ले जहाँ की गुजरात के हाई कोर्ट ने कहा कि गुजरात की सरकार कोविड मैनेजमेंट में एक एक टाइटेनिक की तरह डूब रही है ऐसा गुजरात हाई कोर्ट की टिप्पणी थी तो मैं तो ये कह नहीं रहा मैं तो कह रहा हूँ सारी जगहों से सही डाटा का संकलन करके उन लोगों के उन लोगों के परिवारों को चार लाख रुपए का कंपनसेशन दिया जाए और ये सैतालीस लाख लोगों की डेथ क्यों हुई क्यों दुनिया में डेढ़ करोड़ लोगों की डेथ हुई उनमें से सैतालीस लाख हमारे देश में मतलब हर तीन में से एक डेथ हमारे देश में क्यों हुई इन चीजों का जवाब दे क्या प्रॉब्लम थी क्यों ऑक्सीजन समय पर दिल्ली में नहीं पहुंच पाई क्यों दिल्ली में अस्पतालों में लोग ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण पचास पचास चालीस चालीस लोग लगातार दम तोड़ रहे थे क्यों बॉम्बे में ऐसा हुआ मैं तो ये भी बात कर रहा हूं मैं कोई सेलेक्टिव बात नहीं कर रहा हूं सो दैट इज वॉट वी डिमांड के वी शुड गिव एटलीस्ट ए रेस्पेक्ट टू द फैमिली मेंबर्स ऑफ द डिसीज बाई गिविंग हिम फोर लैक रुपीज ऑफ कोविड कंपनसेशन एंड नंबर टू इमीजिएटली वी शुड कॉन्स्टिट्यूट ए कोविड कमीशन Which should take care of all these issues like COVID deaths, like the reasons of those deaths, who are responsible for this? We should fix the responsibilities because we have to plan. If there is some pandemic, if it, it again after 10 years, 20 years, 5 years, if some other pandemic comes, we should have some policy. We should have our preparedness for that. That is what we demand.

डब्ल्यू एच ओ का हेड क्वार्टर है स्विट्जरलैंड जिनेवा में आप जहाँ पर थे उससे सौ डेढ़ सौ किलोमीटर दूर एक दुनिया की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एजेंसी आपको कह रही है कि आपने जो भी डाटा दिया वो दस गुना कम आंख के दिया और आपकी जानकारी आपको तो पता होगा डॉक्टर हर्षवर्धन अभी कुछ समय पूर्वी मई तेवीस दो हजार इक्कीस को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरपर्सन चुने गए हैं तो वही एजेंसी डाटा दे रही है हम थोड़ी दे रहे हैं तो सरकार अगर इस डाटा को इस डाटा को नहीं एक्सेप्ट करती है तो यू हैव टू गिव लॉजिक आप ऐसे नहीं कह सकते नहीं मैं नहीं मानता सी डाटा देती मैं नहीं मानता आप खुद कोई डाटा देते नहीं हो और जिसमें देते हो उसमें झूठे देते हो दुनिया की एजेंसीज बोल रही है और आप छोड़ दीजिए डब्ल्यू को आप छोड़ दीजिए लें को मैं आपको एक बहुत एक बहुत एक, एक सिंपल स्टडी बताता हूँ आप अपने आसपास के दस परिवारों का ध्यान कीजिए दस परिवारों जो आपके निकटस्थ है आपके परिवार के रिलेटिव है उसमें कितनी डेथ्स हुई और फिर आप देख लीजिए भारत में तीस करोड़ परिवार रहते हैं आपको डाटा मिल जाएगा हर हिंदुस्तानी को डेटा मिल जाएगा यह देखिए कि आपके आसपास पास दस परिवारों में कोविड के दौरान कितने लोगों की मृत्यु हुई और फिर उसको बढ़ा दीजिए हिंदुस्तान में तीस करोड़ परिवार है आपको एग्जैक्ट डेटा मिल जाएगा किसी एजेंसी की जरूरत नहीं क्यों कर रही है भारत सरकार ये क्या ये सिर्फ चार लाख रुपए कंपनसेशन बचाने की कवायद है हमारा सर शर्म से झुकता है जब दुनिया की एजेंसीज हमारे डेटा पे हंसती है हमें कोई खुशी थोड़ी है कि दुनिया की एजेंसीज भारत सरकार को झूठा बोलती है दुनिया का दूसरा नंबर झूठा बोलती है हमारे प्रधानमंत्री को अच्छा थोड़ी लगता है दुख होता है हमारे प्रधानमंत्री है दुनिया के पटल पे जाते हैं तो मेरा आपका सबका वो रिप्रेजेंट करते हैं और वो दुनिया की एजेंसी कहती है तुम दूसरे नंबर के झुट्टे हो दुख होता है, दुख होता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये हमारी विश्वसनीयता को बना के रखे हमारी विश्वसनीयता को खराब ना करें। कितने लोगों की डेथ हुई वो एग्जैक्टली बताए और बताने की जरूरत नहीं देश के हर व्यक्ति को पता है। गंगा मैया के अंदर लाशें तैर रही थी ये मैं नहीं आपने सबने देखा लोग दिल्ली की सड़कों पर ऑक्सीजन की कमी के कारण तड़प तड़प तड़ के मर रहे थे वो फोटवे हमारे जहन में है दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन बंद हो जाती थी और 40 लोग अचानक से मर जाते थे ये खबरें आप सभी लोगों ने प्रकाशित की है प्रमुखता से आपने अपने टीवी चैनलों में इन खबरों को दिखाया है तो फिर हम कैसे नहीं मान ले सारे एविडेंसेस ये इंगित कर रहे हैं कि भारत सरकार ने जो डेटा दिया वो ग्रॉसली अंडर uh, uh, मैं कहूँगा उस ग्रॉसली कम करके आंका गया है उस सही डाटा को दिया जाए कोविड कमीशन का गठन किया जाए चार लाख रुपए का जो जो सम्मान है क्योंकि हम हिंदुस्तान में हमारे लोगों को सीवर नहीं दे पाए अस्पताल का बेड नहीं दे पाए ऑक्सीजन नहीं दे पाए हम उस व्यक्ति का प्रॉपर इलाज नहीं कर पाए बिहार उत्तर प्रदेश से खबरें ये आ रही थी कोविड की दूसरी वेव के दौरान कि रेमडिसिविर छोड़ दो क्रोसीन की गोली नहीं मिल रही थी हम हमारे लोगों को क्रोसीन की गोली नहीं दे पाए पैरासिटामोल की गोली नहीं दे पाए हम हमारे लोगों को भारत सरकार का डेटा है कि 45 प्रतिशत जो 2020 में जिनकी मृत्यु हुई उनको हम कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दे पाए तो क्या हम आज फॉरवर्ड लुकिंग होके ये नहीं सोचे ये नहीं जानने का प्रयास करें कि कौन क्या प्रॉब्लम थी कौन लोग दोषी थे क्या वो लोग दोषी थे जो कोविड के दौरान लूडो खेल रहे थे और आलू प्याज की सब्जी बनाने की विधि अपने ट्विटर हैंडल पे डाल रहे थे क्या वो लोग दोषी है जो कोविड के दौरान अपने घरों से जो जनप्रतिनिधि अपने घरों से मंत्री अपने घरों से बाहर तक नहीं निकल पा रहे थे क्या वो लोग दोषी है जिन्होंने हमारी वैक्सीन हमारे बच्चों की वैक्सीन अपनी वाहवाही के लिए दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर दी क्या वो लोग दोषी है क्या वो लोग दोषी है जब दुनिया के सारे देश वैक्सीन्स बुक कर रहे थे हम उस समय मोबाइल की फ्लैश लाइटें जला रहे थे हम तालियां और थालियां बजा रहे थे खामियाजा ये हुआ सैंतालीस लाख लोग हमारे बीच में हमारे भाई हमारे रिश्तेदार हमारे पड़ोसी हमारे अंकल हमारे आंटी नहीं रहे हमने तो एक कमेटी बनाई थी एक एक उस पर इस कमेटी के आउटपुट का एक पीसी भी की थी गुजरात में एक स्टडी भी करी थी कि किस तरह से गुजरात में गुजरात की सरकार ने ग्रॉसली अंडर स्टेटमेंट किया है कोविड की डेथ्स का हम पूरे देश की ये बिकॉज दिस इज़ ए प्योर रिसर्च तो इसमें हम हमारे स्तर पे एक एक राज्य में कर रहे हैं और हमारा मानना है हम मानते हैं कि डब्ल्यू का आंकड़ा गलत नहीं है हम ये हम ये इस आंकड़े को नकार नहीं रहे हम ऐसे हमारे हमारी पॉलिसी ये नहीं है कि जो आंकड़ा हमारे फेवर में नहीं हो हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करें हमारी पॉलिसी वैसी नहीं है कि अगर बेरोजगारी की दर ज़्यादा है तो सीएमआई झूठा है हम वैसे विश्वास नहीं करते हम ये समस्या को जब तक मानेंगे नहीं समस्या का समाधान नहीं करेंगे आप ही के एक साथी ने अभी कड़वा सवाल पूछा मैंने एक्सेप्ट किया ना मैंने ये थोड़ी कहा कि नहीं वहां की जांच नहीं कराएंगे कोविड कमीशन हर स्टेट की जांच करे और बताए कितने लोगों की डेथ हुई कहाँ हुई कौन लोग दोषी थे कौन लोग दोषी थे कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाई हमारे लोगों को हम तो मांग कर रहे हैं तो हम तो फॉरवर्ड आप जब तक एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करते उस प्रॉब्लम का समाधान आप नहीं निकाल सकते तो पहली स्टेज प्रॉब्लम के रेमेडी की ये होती है कि यू हैव टू एक्सेप्ट द प्रॉब्लम अगर आप प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे उसका समाधान नहीं निकलेगा आपके आंखें बंद कर लेने से ये सैतालीस लाख का आंकड़ा झूठा नहीं हो जाएगा अगर भारत सरकार को आपत्ति है तो इसका विधि बाय पॉइंट बाई पॉइंट आंसर दे कि क्यों इनकी जो प्रोसेस है जिनसे सैंतालीस लाख का डब्ल्यू एच ओ का आंकड़ा निकाला गया वो क्यों गलत है यू कैंड से इफ यू हैव टू डिफीट द लॉजिक यू हैव टू गिव बेटर लॉजिक आपको 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 लॉजिक कोई आप मेरे को कोई लॉजिक दे रहे हो कोई एक एक डाटा दे रहे हो अगर मैं इसको नहीं मानता हूं तो मुझे इससे बेटर लॉजिक आपको कन्विंस करना पड़ेगा मैं ये नहीं कह सकता नहीं नहीं मैं आपकी बात नहीं मानता जाओ दिस इज दिस इज दिस इज दिस इज नॉट डन ये एक्सेप्टेबल नहीं है हमको स्वीकार नहीं है भारत के लोगों को स्वीकार नहीं है कि हमें दुनिया का दूसरा झूठा देश कहा जाए नहीं स्वीकार है हमें वी कांट एक्सेप्ट दिस हमारी संस्थाएं हैं, हमारी डेमोक्रेसी है हमारे सिस्टम्स है कोई हमारे सिस्टम, संस्थाएं डाटा पे एक सवाल उठाता है तो हिंदुस्तान के लोगों पर सवाल उठता है हम स्वीकार नहीं करते इस चीज को भारत की सरकार हर हिंदुस्तानी का शर, सर शर्म से क्यों झुकाना चाहती है क्यों झुका रही है क्यों मोदी जी डब्ल्यू का डाटा है आपने जो डाटा दिया उससे दस गुना ज्यादा है दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गवर्नमेंट शुड आंसर एंड लॉजिक शुड बी डिफेंडेड बाई बेटर लॉजिक नॉट बाई से आई डोंट एक्सेप्ट दिस यू कांट से महंगाई ज्यादा है प्याज नहीं खाती दीज आर नॉट एक्सेप्टेबल यू कांट से पेट्रोल डीजल के दाम ज्यादा है राज्य सरकारें कम करे आई कांट डू एनीथिंग यू कांट से ऑक्सीजन नहीं पूछी पहुंची राज्य सरकार जिम्मेवार है यू कांट से सीवर नहीं पहुंच रही राज्य सरकार जिम्मेवार है यू कांट यू यू कांट रन अवे फ्रॉम योर रेस्पॉन्सिबिलिटी जी आप क्रोनोलॉजी समझिए पहले होल्डिंग कंपनी ने जिग्नेश मेवानी को गिरफ्तार कर लिया फिर सब्सिडरी कंपनी ने तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार कर दिया आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए ये, ये संयोग नहीं है ये प्रयोग है और ये प्रयोग है ये बताने के लिए कि देश में आप अगर सवाल पूछोगे तो आप गिरफ्तार कर लिए जाओगे प्रयोग है ये बताने के लिए कि हम बी टीम नहीं है पर आप बी टीम हो क्योंकि आपकी और उनकी मोडस ऑपरेंडी एग्जैक्टली सिमिलर है कानून का कानून का राज है कानून की व्यवस्थाएं हैं कल अचानक से कहीं पे भी कोई पुलिस आ जाती है किसी को गिरफ्तार कर लेती है क्या कारण है हम हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हम एक बड़ी बात कर रहे लोकतंत्र है सवाल पूछने का अधिकार है क्यों अचानक से यह पुलिस राज की स्थापना हिंदुस्तान की सरकार करना चाहती है क्यों ऐसा हो रहा है और यह क्रोनोलॉजी होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों बारी बारी से चला रही है मेरे को इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है मैं जानकारी लेके दूंगा देखिए हाई कोर्ट की टिप्पणी पे राजनीतिक दल क्या टिप्पणी करेंगे कानून हम तो न्यायालयों की सम्मान करते हैं पहले भी करते थे आज भी करते हैं आगे भी करेंगे हम तो सुप्रीम कोर्ट की और कर्नाटक हाई कोर्ट की रूलिंग का भी सम्मान करते हैं जिसने कहा एक निश्चित डेसीबल से ज़्यादा ना तो मस्जिद से आवाज़ आनी चाहिए ना किसी समारोह से आनी चाहिए ना मंदिर के लाउड स्पीकर से आनी चाहिए हम तो कानून का सम्मान करते हैं हमें हम कानून के बारे में हम क्या टिप्पणी एग्जीक्यूटिव ठीक है